नमस्कार दोस्तों, शोल्डर ऑन की इस दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, मुझे मालूम है कि आप लोगों को शोल्डरिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप लोग अक्सर दिन में कई सारी बार और कई कई घंटे शोल्डरिंग करते रहते हैं। आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं एनिमेशन में, काफ़ी सारी चीज़ों का आप आसानी से शोल्डर भी कर सकते हो। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जब भी शोल्डरिंग करते हो तो उसमें काफ़ी सारा धुआं निकलता है जो कि आपके लिए टॉक्सिक यानी कि जहर का काम कर सकता है। लॉन्ग टर्म में आपके शरीर में काफ़ी सारे नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आपको मालूम है इसका सॉल्यूशन क्या है? नहीं मालूम है तो चलिए मैं बता देता हूँ। इसका सॉल्यूशन है ये है शोल्डर ऑन का पोर्टेबल फ्यूम एक्सट्रैक्टर। जब भी आप शोल्डरिंग करते हो तो ये फ्यूम एक्सट्रैक्टर जो रहता है वो धुएँ को अपनी तरफ खींच के उस धुएँ को साफ करके फिल्टर करके वापस हमारे घर के एनवायरमेंट में छोड़ देता है, जिससे क्या होता है कि आपका जो हवा रहता है वो एकदम शुद्ध होता है और लॉन्ग टर्म पर आपके शरीर पर कोई नुकसान भी नहीं होता है। तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको अनबॉक्सिंग करके इसको यूज़ करके देखते हैं। सो दोस्तों, ये है शोल्डर ऑन का फ्यूम एक्सट्रैक्टर का बॉक्स। आप देख सकते हैं पैकेजिंग बहुत ही बढ़िया है। अभी मैं यहाँ से उसको ओपन कर लेता हूँ। अभी इसको प्लास्टिक का रैप में से निकाल देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे अलग से कुछ मिल रहा है। यह है उसका कार्बन फिल्टर। आप देख सकते हैं यह है कार्बन फिल्टर। कार्बन फिल्टर ही मेन रहता है जो फ्यूम को यानी कि जो जहरीला धुआं है उसको अपनी तरफ खींच के उसको साफ करके उसको प्रॉपर बनाकर फिर हमारे एनवायरमेंट में वापस छोड़ देता है। तो उसके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट तो एक कार्बन फिल्टर रहता है और इसके अंदर का आप देख सकते हैं एक पंखा है। आप देखिए यहाँ पे फैन क्या करता है, ये कार्बन फिल्टर यहाँ पे लग जाएगा। फैन के जरिए ये हवा जो रहता है, जो जहरीला हवा रहता है, अपने तरफ खींच के साफ करके वापिस से पीछे की तरफ से हमारे एनवायरमेंट में वापिस से भेज देने का काम करता है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑन ऑफ का स्विच है जिसके जरिए हम लोग उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं, हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि उसके लिए आपको देख सकते हैं यहाँ पे प्लग दिया गया है जिसके जरिए हमको पावर देना पड़ता है। पावर के बिना ये काम नहीं होगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इस कार्बन फिल्टर को यहाँ पे लगा देते हैं। ये देखिए मैं ओपन कर लेता हूँ कार्बन फिल्टर को। देखिए कार्बन फिल्टर मैंने ओपन कर दिया। आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा कार्बन फिल्टर है। ये पूरा कार्बन से बना हुआ रहता है और यहाँ पे हम लोग इस तरह से उसको लगा सकते हैं। ये देखिए लग गया। ये लगाने के बाद हम लोग अभी क्या करेंगे, इसको ऑन करेंगे। ऑन करके हम लोग यूज करके देखेंगे। ये देखिए मैं ऑन कर लेता हूँ सबसे पहले। ये देखिए मैंने पावर सप्लाई के साथ में कनेक्ट कर दिया वायर को। ये देखिए ऑन करता हूँ, आपको हवा का आवाज सुनाई देता रहेगा। ये देखिए यहाँ से क्या हो रहा है कि मेरी हवा जो रहेगी वो यहाँ से अंदर जा रही है। फिर ये कार्बन क्या करता है, उसको साफ करके, जहरीला जो धुआं रहता है उसको साफ करके यहाँ से जो अच्छी हवा जो है बाहर निकालने का काम करता है जो कि हमारे एनवायरमेंट में वापस से आ जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करके देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा पूरा सेटअप जो है रेडी हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शोल्डरिंग आयरन मैंने ले लिया है, साथ ही साथ यहाँ पे एक पीसीबी ले लिया है जिसके ऊपर हम लोग शोल्डरिंग का यूज करके देखेंगे और हम लोग ये देखेंगे कि हमारा जो पोर्टेबल फ्यूम एक्सट्रैक्टर जो है वो अच्छी तरह से काम कर रहा है कि नहीं, यानी जहरीला धुआं जो है अपनी तरफ खींच कर पीछे से हमें अच्छी हवा जो है निकाल के दे रहा है कि नहीं। तो चलिए अभी देख लेते हैं, उसको यूज करके देखते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करके देखते हैं। ये देखिए मैंने क्या किया है, शोल्डरिंग गर्म हो गया ऑलरेडी और जैसे ही मैं यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर शोल्डरिंग करता हूँ, ये देखिए जहरीला धुआं जो है अपनी तरफ ये खींच ले रहा है हमारा जो फ्यूम एक्सट्रैक्टर है वो। इससे क्या होता है, हमारा जो शरीर को नुकसान नहीं होगा और आसानी से हमारा काम भी हो जाएगा और हम लोग इस जहरीले धुएं से बच पाएंगे। ये देख पा रहे हैं आप, तो ये हमारा जो फ्यूम एक्सट्रैक्टर रहता है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। ये देखिए देखिए बहुत ही अच्छी तरह से, और ये जो धुआं अंदर जा रहा है कार्बन फिल्टर की मदद से साफ होकर दोबारा हमारे एनवायरमेंट में वापस आ रहा है। सो हमें इस धुएं की वजह से हमारे शरीर को कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आपको शोल्डर का फ्यूम एक्सट्रैक्टर अगर आपको खरीदना है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक दिया गया है जहाँ से आप उसको आसानी से परचेज कर सकते हैं। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। दोस्तों ऐसे ही आप अगर नए नए प्रोडक्ट्स की जानकारी लेना चाहते हो और उसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो या जो भी नए प्रोडक्ट्स आएगा उसका अपडेट लेना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन दबा दीजिए ताकि हमारे जो भी नए प्रोडक्ट्स आएंगे या वीडियोस आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।